कंटेंट जो आप सभी लोगों को अभी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, अगर मैं आप सभी लोगों को ये बोलूं कि इन कंटेंट को लिखने के लिए साथ के साथ इसके अंदर थोड़ी बहुत करेक्शन करके दोबारा लिखने के लिए अगर आप सभी लोगों को अर्निंग मिले तो कैसा रहेगा। दोस्तों आज मैं आप सभी लोगों को ऐसी शानदार वेबसाइट लेके आ गया हूं, एक नहीं ऐसी तीन वेबसाइट के बारे में बताने वाला हूं जिन वेबसाइट के बारे में आज तक आप सभी लोगों को कुछ भी नहीं पता होगा। दोस्तों यहाँ पे आप सभी लोगों को बहुत इजी सा काम है, बहुत सिंपल काम है। यहाँ पे आपको डायरेक्टली बस टाइपिंग करनी है, टाइप करना है, राइट करना है, आपकी बहुत अच्छी खासी वीडियो होने वाली है, इतनी जबरदस्त होने वाली है, इतनी फैंटास्टिक होने वाली है जिन वेबसाइट के बारे में आप सभी लोगों को पता ही नहीं होगा। दोस्तों सबसे पहले मैं कवर करूंगा bbc.com। आप इन सभी वेबसाइट के लिए आप या तो नोट बना लीजिए या तो अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए अपने मोबाइल फोन में, क्योंकि जो मैं एक एक स्टेप बाय स्टेप आप सभी लोगों को चीजें समझाने वाला हूं ना, मुझे लगता है कि जहां तक काफी सारी चीजें आपकी रुक ना जाए, इसलिए अभी आप इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लो। पहली वेबसाइट बीबीसी, उसके बाद जो दूसरी वेबसाइट है गूगल न्यूज, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं जो हमारी टाइपिंग की वेबसाइट है। दोस्तों इस वेबसाइट का नाम है कॉन्स्टेंट कंटेंट। अब कॉन्स्टेंट कंटेंट की बात करूं तो इसकी रेटिंग भी लगभग 4 की रेटिंग है और एक बहुत अच्छी खासी अर्निंग आप यहां से जनरेट कर सकते हो। दोस्तों यहां पे ये जो कंपनी है लिंक्डइन, उबर, क्यूईसी, बेस्ट बाय, बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ काम करती है। अभी बात करेंगे कि यहाँ पे आपको टाइपिंग करके अर्निंग कैसे मिलेगी। दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, 1000 वर्ड का जो है एक पेज टाइप करना है, एक न्यूज टाइप करना है, और उसको टाइप करने के बदले आप सभी लोगों को अर्निंग मिलेगी। कितनी अर्निंग मिलेगी, लगभग 500 रुपीज पर आर्टिकल आप सभी लोगों को देखने को मिलेगा विद प्रूफ, लाइव प्रूफ के साथ इस वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूं। दोस्तों अभी तक अगर आपने लाइक नहीं करा है वीडियो को ना मेरे भाई, तो प्लीज यार प्लीज एक लाइक तो बनता है आपके भाई को, एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड दोस्तों अब जब सेकंड वेबसाइट की बात करेंगे, इस वेबसाइट का नाम है यूएक्स बूथ। अभी मैं पहले सभी वेबसाइट को आपको मुखड़ा बता देता हूं, एंड उसके बाद मैं आपको ब्रीफली बताऊंगा कि कितना पे आउट मिलेगा, कितनी करेंसी में, कैसे मिलेगा, कैसे टाइप करना है, ऑल प्रोसीजर, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। दूसरी वेबसाइट है यूएक्स बूथ, यही चीज काम करना है। एंड तीसरी वेबसाइट है टेक्स्ट ब्रोकर। अब बात आ जाती है टेक्स्ट ब्रोकर क्या है, यहाँ पे अर्निंग कैसे जनरेट होती है, तो हम सबसे पहले करते हैं कवर टेक्स्ट ब्रोकर को। अब बात आ जाती है कि टेक्स्ट ब्रोकर काम क्या करती है। जैसे कि मैंने आप सभी लोगों को बताया कि आप वर्ड के ऊपर सबसे पहले एक न्यूज टाइप कर लो, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यूज आप सभी लोगों को देखने को मिल गई है। अब बात आती है ये न्यूज मैंने प्रॉपरली तो नहीं अपने हिसाब से लिखी है, लेकिन मैं इसके लिए अपनी एक वेबसाइट पे गया जिसका नाम है bbc.com। अब bbc.com के ऊपर मेरे को अलग अलग टाइप के न्यूजेस यहाँ पे देखने को मिल गए जो कि होल वर्ल्ड के अंदर अभी चल क्या रहा है। तो यहाँ पे जैसे कि आप देखिए हर आवर के अंदर, हर मिनट के अंदर एक अलग अलग न्यूज आते रहते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, किसी भी न्यूज के ऊपर क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आपको दिख गया हाई स्ट्रीट फैशन गेट इंट्रोडक्ट्स विच ऑन्स ब्रांड्स इंक्लूडिंग ज़ारा। तो ये ज़ारा ब्रांड्स के ऊपर कुछ एक नया सा वो जो आया हुआ है कुछ न्यूज़ है, तो आपको क्या करना है, बस बेसिकली आपको इस चीज़ को कॉपी कर लेना है। एंड कॉपी करने के बाद बस आपको मुखड़ा उठाना है अपने वर्ड पैड का या अपने मोबाइल फोन के अंदर नोट्स का। एंड इस चीज़ को कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है, जैसे कि मैं अभी सब चीज़ों को हटा के उसको एक बार यहाँ पे डाल देता हूँ। जैसे आप ज़ारा का है, थोड़ा सा इसको हम बड़ा कर लेंगे। जो चीज़ मैं सिखा रहा हूँ ना दोस्तों, इस चीज़ को सीखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, वरना बाद में बड़ी दिक्कत होगी यार। यहाँ पे सबसे पहले हम इसके जो टाइटल को है वो थोड़ा सा चेंज कर देंगे, जैसे हाई स्ट्रीट फैशन गेट इंट्रोडक्ट्स। तो ठीक है, यहाँ पे हम कर देंगे स्ट्रीट फैशन गेट इंट्रोडक्ट्स टू ऑन ब्रांड ज़ारा। अब यू ऑन ब्रांड ज़ारा हम हटा दें यहाँ से, ठीक है, ज़ारा एंड मसीमन। अब ये सारी चीज़ें आप सभी लोगों दोस्तों आपको अलग अलग न्यूज़ के अंदर अलग अलग हिसाब से चलानी पड़ेगी। एंड इसका प्रोनाउंसिएशन आप सभी लोगों को चेक करना पड़ेगा, जो प्रोनाउंसिएशन आप गूगल के ऊपर आसानी से चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप देख लोगे, एंड आपको जो है बीच बीच के अंदर, जैसे कि यहाँ पे 15 ईयर्स लेटर के अंदर है तो आपको यहाँ पे 15 ईयर कर देना है। जैसे यहाँ पे मैं कर दूंगा 15, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप देख लेना। तो यहाँ पे एक सेक्स कर देता हूँ, तो यहाँ पे 15 ईयर से वो डाल देना। आप यहाँ पे 37 नंबर में लिखा, न्यूमेरिकल फॉर्म में तो आप इसको अल्फाबेट फॉर्म में लिख देना। इस टाइप करके आपको पूरा कंटेंट चेंज करना है। अब क्या करना है ये बात ध्यान से सुन लेना, वरना आपके आर्टिकल्स अप्रूव नहीं होंगे, अर्निंग आपको नहीं मिलने वाली है। सबसे पहले आपको क्या करना है, टेक्स्ट ब्रोकर पे मैं आपको पेमेंट बता देता हूँ। सेम पेमेंट आपको सभी वेबसाइट पे देखने को मिलेगी। यहाँ पे मैं पेमेंट्स वाले सेक्शन पे चला गया, थोड़ा सा नीचे आते हैं। थोड़ा सा नीचे आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आपके आर्टिकल्स को 2 रेटिंग मिलती है, देन आपको मिलता है 0.7 सेंट्स मिलता है पर वर्ड का, और आपको जो मिनिमम जो सेंट्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे वो 1.75 सेंट्स को पर अर्निंग मतलब वर्ड की आपको देखने को मिलेगी। लेकिन अब मैं बात करूंगा कि यहाँ पे भाई कितने व्यूज आने चाहिए, कितने इंप्रेशन आने चाहिए। तो देखो दोस्तों क्वालिटी के ऊपर बात है, अगर आपके 1000 लोगों को दिखाया जाएगा, मैं आपको सब पहले बता दूं आप सबको, तो 1000 लोगों को ये चीजें दिखाई जाएगी, अगर 1000 में से 200 लोग अगर 5 रेटिंग करते हैं तो आपका 2 स्टार बनेगा, एंड उसके बाद आपको मिलेंगे $7। अब दोस्तों $7 को अगर मैं इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करूं तो लगभग 7×7=14 है, मतलब अराउंड 500 रुपए आपको एक आर्टिकल तो मिलेगा अगर उसके ऊपर 1000 व्यूज आ जाते हैं। तो ये चीज आप सभी लोग आराम से समझना है। अब बात आती है कि सर हम इसके अंदर रजिस्ट्रेशन कैसे करें।
रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा फ्री ऑथर रजिस्ट्रेशन का, इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। अब आएगा अ क्लाइंट टू ऑर्डर कंटेंट एंड ऑथर टू अर्न मनी राइटिंग कंटेंट, यहाँ पे आपको साइन मी एज एन ऑथर के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना प्रोफेशन लिख लेना है, आपको पता कहाँ से चला, यूट्यूब से पता लगा, आप किस चीज़ के अंदर एक्सपर्ट है, आर्ट एंड क्राफ्ट में, ब्यूटी में, न्यूज़ में, फाइनेंस में, जो भी कैटेगरी आप सभी लोगों को यहाँ पे डालनी है वो चीज़ यहाँ पे आप डाल देना। तो यहाँ पे मेरा आएगा मीडिया एंड टेलीकम्युनिकेशन, ये चीज़ मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे आपको ईमेल आईडी पासवर्ड लॉगिन वगैरह सिलेक्ट करना है एंड उसके बाद इसको आई एग्री के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ साइनअप कर देना है। अब दोस्तों सेम एज इट इज आपको सेकंड वेबसाइट के अंदर आएगी जिसका नाम है कॉन्स्टेंट कंटेंट। अब जो टेक्स्ट ब्रोकर की वेबसाइट है उसका रिव्यू इतना अच्छा खासा नहीं है मार्केट के अंदर, मैं अगर बात करूँ कॉन्स्टेंट कंटेंट की तो इसका रिव्यू जो है मार्केट में बेहतर रिव्यू देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप सभी लोगों को क्या करना है, यहाँ पे साइनअप वाले सेक्शन के ऊपर क्लिक करना है, साइनअप एज राइटर के ऊपर क्लिक कर लेना है एंड राइटर के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने तीन लंबे चौड़े से फॉर्म दिख जाएंगे, आपको उसको प्रॉपरली एक एक चीज सबमिट कर लेनी है दोस्तों कि आपको बाद में प्रॉब्लम ना आए बिल्कुल भी। ये सारी चीजें सिलेक्ट करने के बाद आपका थर्ड ऑप्शन आता है यूएक्स बूथ। अब ये यूएक्स बूथ की जो वेबसाइट है सेम एज इट इज इसके अंदर भी वही काम होने वाला है, बेसिकली जो काम आप यहाँ पे टेक्स्ट ब्रोकर और कॉन्स्टेंट कंटेंट में किया है वही काम आपको यूएक्स बूथ में भी कर लेना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, राइट फॉर अस के ऊपर क्लिक कर लेना है एंड राइट फॉर अस के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका नेम, आपका ईमेल एड्रेस, यहाँ पे आपको सारी डिटेल डालने के बाद सबमिट कर देना है। अब मैं जो चीज कहने वाला हूं इस चीज को समझना और सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। जितने लोगों ने भी अभी तक वीडियो को स्किप कर दिया ना मेरे भाई, अब कुछ भी नहीं समझ आने वाला, मैं पहले बता दूं। और जो लोग अभी तक टिक गए वीडियो के ऊपर, अब आपको आने वाला है यहां से एक मजा। अब मजा क्या आने वाला है वो मेरी बात ध्यान से सुनो। तो यहाँ पे आप सभी लोगों को क्या करना है, जो कंटेंट आप यहाँ पे बनाओगे, जो मैंने वर्ड पे आपको बताया कि आप एक कंटेंट बनाओगे, इसी कंटेंट को आपको कॉपी पेस्ट कर देना है तीनों प्लेटफॉर्म के ऊपर, टेक्स्ट ब्रोकर पे करना है, कंस्टेंट कंटेंट पे करना है एंड यूएक्स बूथ पे करना है। इन तीनों जगह पे आप प्लेस कर दोगे, अरे मेरे भाई तीनों जगह पे प्लेस करोगे, एक जगह से तो अप्रूवल मिलेगा एंड अगर एक जगह से भी अप्रूवल मिल गया तो आप लोगों की तो अर्निंग होनी ही होनी है। अब ये तो समझ आ गया आपको कि bcc.com के ऊपर आप सभी लोगों को न्यूज देखने को मिलेगा। बात आ जाती है गूगल न्यूज। अब गूगल न्यूज क्या करता है, ऑन न्यूज पूरे गूगल के ऊपर क्या ट्रेंडिंग चल रहा है ये सारी चीजें निकालती है। तो यहाँ पे आप सभी लोगों को वही चीजें करनी है, उन चीजों को सिलेक्ट कर लेना है एंड कॉपी पेस्ट तो पूरा नहीं करना है, मैं पहले बता दूं, थोड़ा सा चेंजेस कर सकते हैं, ज्यादा चेंजेस भी करोगे। और इसमें क्या होता है ना, आजकल पेड फॉर आर्टिकल जैसी वेबसाइट आ रही है, अब वो पेड फॉर आर्टिकल जैसी वेबसाइट क्या करती है, उनका काम क्या है कि भाई वो वेबसाइट आ गई है, अब उनके ऊपर आप डालो तो यार हफ्ता हफ्ता 10-10 दिन से जो है आर्टिकल आपके अप्रूव नहीं होने वाले हैं। अब बात आती है काफी लोग कहते हैं सर हमसे तो आर्टिकल ही नहीं लिखा जाता। मेरे भाई अगर आर्टिकल नहीं लिखा जाता है तो उसकी यूडमी के ऊपर आप ट्रेनिंग ले सकते हो कि भाई फ्री में आप आर्टिकल लिख सकते हो। अभी मैं आपको एक वेबसाइट के बारे में और बताऊंगा, खैर इसके बारे में तो आप सभी लोगों को पता ही होगा, ठीक है। फाइवर के ऊपर भी आ जाना, फाइवर। अब जब इतने आर्टिकल जब यहाँ पे लिख, देखो आर्टिकल खराब नहीं जाना चाहिए, अगर सच्चे मन से सच्चे दिल से काम करोगे जेन्युइन 100% अर्निंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से लेके जा पाओगे। बात आ जाती है फाइवर की, तो यार यहाँ पे फाइवर पे के ऊपर भी जो आप कंटेंट यहाँ पे पोस्ट कर रहे हो वो कंटेंट आप वहां भी पोस्ट कर सकते हो। बहुत सारी वेबसाइट है यार, फाइवर है, फ्रीलांसर है, अपवर्क है, गुरु है, सारी वेबसाइट पे छापा मार दो, एक एक सभी के एप्लीकेशन आ रहे हैं, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। मोबाइल यूजर्स यार क्यों बैठे हो, मेरे तो ये बात नहीं समझ आती, आप आराम से प्ले स्टोर के ऊपर ऐप डाउनलोड कर सकते हो, टाइटल डाल सकते हो, एक ही स्क्रिप्ट लिखना 10 जगह पर डाल दो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक जगह से अप्रूव हुआ अर्निंग आएगी। मेरे भाई एक चीज मुझे बताना, अगर आप 10 वेबसाइट के ऊपर डालोगे, एक वेबसाइट से आपके पूरे महीने में $10 की अर्निंग नहीं होगी क्या, होगी, जेन्युइनली होगी। एंड 10 वेबसाइट से अगर आपकी $10 की अर्निंग हो रही है तो वो आप समझ सकते हो। मैं यूएसडी टू आईएनआर आप सभी लोगों को एक बार दिखा देता हूं, यूएसडी टू INR, ठीक है, एक बार मैं इसको दिखा देता हूँ USD to INR today। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि भाई अगर $10 आपको, मतलब ये मान के चलो कि 750 रुपए आपकी एक वेबसाइट तो दी जाएगी, अगर मान के चलो आपके पास 10 वेबसाइट है तो आप $100 कैसे, भाई 7,500-8,000 रुपए को तो आप मंथली काम कर सकते हो, कोई समस्या नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वेरी सिंपल है, वेरी इजी है। बस जरूरत है आप सभी लोगों को काम करने की, एक नोटबुक उठाने की, एक पेन उठाने की, बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटी बात है, आराम से अर्निंग जनरेट कर सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम आती है टेलीग्राम चैनल है आपके भाई का, टेलीग्राम चैनल पे आ जाओ, पूछ सकते हो, नीचे कमेंट पूरा खाली पड़ा है यार, कमेंट कर दो, अभी तक लाइक नहीं कर